सामना लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशफाक अली। खबरें देखने के पहले चलते हैं हेडलाइंस की ओर। आखिर कब रुकेगा महानगरों से मजदूरों का पैदल पलायन? छतरपुर विधानसभा के ग्रामों को किया जा रहा सैनिटाइजर। अब खबरें विस्तार से। आखिर कब रुकेगा महानगरों से मजदूरों का पैदल पलायन? 40 दिनों से जारी लॉकडाउन का असर अब दिखने लगा है। भूख से बेहाल परेशान मजदूर दिल्ली से पैदल चलकर अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं, जिनको देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। पर घर जाने का जज्बा इनके पैरों में पड़े छाले और भूख भी नहीं रोक पाई। मीडिया जब क्षेत्र का दौरा कर रही थी, तब उसे अपने मासूम बच्चों सहित 9 मजदूर पैदल ही दिल्ली से चलकर सरबई तहसील के ग्राम जराबरा जा रहे थे। उन्होंने चंदला स्वास्थ्य केंद्र में जाँच के पर्चे भी दिखाए और अपनी समस्याओं को भी बताया। क्या मध्य प्रदेश सरकार या स्थानीय प्रशासनिक अमला इन मजदूरों की समस्याओं से निजात दिला पाएगा? सर्वे से आरके सोनी की रिपोर्ट। आपका नाम भैया? राम प्रकाश। कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? अभी फिलहाल कहाँ जाएंगे? हरिया। हरिया। और निवासी आपका किस गांव में रहते हैं? ग्यारह बारह में। अभी आप लोग फिलहाल नहीं रुकेंगे, खड़े हैं हमें। आपको आने में कोई समस्या वगैरह हुई? छतरपुर विधानसभा के ग्रामों को किया जा रहा सैनिटाइज। महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर में कोरोना वायरस महामारी को खत्म करने के लिए सैनिटाइज किया जा रहा है। अर्चना गुप्ती सिंह द्वारा छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के निवारी काशी परवा खबरी एवं हरई में लगातार सैनिटाइज की मुहिम चलाई जा रही है, जो कि विधानसभा सेक्टर प्रभारी जंग बहादुर सिंह, मनोहर लाल रावत, भद्र महाराज हमा इस कार्य को मेहनत और लगन से कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल रावत। आज ये सैनिटाइज जो करवाया जा रहा है, हाँ? किसकी तरफ से और किस किस दवाएं क्या क्या मिलाई गई है? दवाएं उसमें मिलाई गई है टैंक में, श्री अर्चना सिंह गुड्डू राजा के द्वारा ये सैनिटाइज किया जा रहा है। पूरे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में ये काम चल रहा है और बस हम लोग लगे हुए हैं। आज कहाँ पे कहाँ करवाया? आज अभी निवारी में हो रहा है, यहाँ काशी परवा बस स्टैंड से, इसके बाद गांव में जाएंगे, फिर हरई, यही सब होगा। पूरी विधानसभा में करवा रहे हैं? पूरी विधानसभा में चल रहा है। और क्या होगा इसके बाद कुछ? इसके बाद जो आवश्यक सुझाव होंगे शासन द्वारा, जो होगा उसका पालन करेंगे और आगे करवाएंगे।